बच्चे नु सजा मिल गया। बस मैं कुछ नहीं, मेरी हाथ बंद के रिक्वेस्ट है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। माता जी अज अंतम संस्कार होगा जो कल होगा, दो पुत जेल चा की अपील करनी चाहोगे सरकार? मैं उन्होंने ये कहना चाहनी हाँ कि सरकार तो मैं ये मांग करती हूँ कि जेडे मेरे दो बच्चे आ जेल दे विच, वो मेरे बेटे दे संस्कार दे विच आके वो कम से कम मुँह तो देखा जावे। उन्होंने माता जी मनप्रीत मनू काम की करदा सीगा? वो लकड़ी का मिस्त्री सीगा। इस पासे किस तरह पै गया सीगा, माड़े अंसरां दे विच किवें मतलब आ गया सी? छोटी मोटी लड़ाई हुई सी, लड़ाई होने दे नाल परचा पै गया जमानत ते आ गया, फिर बस इतों गल बात। ये भी पता लग गया है कि जो सिद्धू मूसे वाले कतलकांड के भी मोहरी रखा गया? वो जी सिद्धू मूसे वाले नाल साडा कोई लैन देन नहीं, कोई साढ़े ना उहदा रौला नहीं सीगा उस बच्चे नाल, उहदा सिर्फ यह बच्चे नू मूहरे रखा गया भी इन्हें मारिया इन्हें। जो भी जो कितने कोई बंदा मर जाता वो कह देंगे मनप्रीत ने मारता, जो कोई कुत्ता भी किसी का मर गया वो भी मनप्रीत ने मारता। असी परेशान बहुत हाँ मैं इस गल तो भी मेरा बच्चा छोटा सी वड्डा सी? ए जी तीन बच्चे सी मेरे, एक वड्डा सी उदो छोटा सी दूजे नंबर वाला, एक दूजा तीजे नंबर वाला छोटा गा, ये विचालड़ा सी। माता जी लकड़ का काम करदा किस तरह इधरले पासे चला गया, क्यों जाना पै गया, हालात क्यों जी? बस लड़ाई हुई सी किसी दे, कोई मुंडा किसी दे करे जांदा सी, इस बच्चे ने उन्हें रोकता, रोकण दे कारण लड़ाई हो गई, लड़ाई च तू तू मैं हो के इन्हां दी लड़ाई हुई सी, फिर जल जेल चला गया। उस बाद फिर जदों आया तो हजे आए नूं तां साल भी नहीं होया गा। दो बेटे मेरे आ जिहड़े उह आए सीगे मनप्रीत दी पुछ गिछ लई, ते मेरे दो बेटे सुत्ते पए चक्के, दो बेटे चक्के, एक पोती सी पोता सी नूंह सी, चारे पंजे जी इन्हां ने चक के सी आई स्टाफ वालिआं ने लिआंदे सी ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਊ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਿਲੇ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਚੱਕਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੈੱਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਘੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਖਾਧਾ? ਬਸ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ ਮਗਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ ਬੁੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਗਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਬਸ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਣ, 5-7 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਸਪੇਰੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ?
आखिरी बार मैं मिल के गया वो 2.5 महीने हो गए, मैं कल्ला ही बैठा सी इत्थे घरे जहाँ मेरी बड़ी माता सी जवानत ते बाहर आया सी। हाँ जी, 1 साल ते 1 महीना हो गया सीगा। की काम की करे कर रहे हैं? वो लक्कड़ दा मिस्त्री सी, बहुत टॉप दा, इत्थे कई घरां तों सामने कोठी च वी आ केवल सिंह उन्होंने घर भी उन्हें काम किया, बहुत वधिया लक्कड़ दा काम किया। दूजी गल ये कि वो बंदा उन करैक्टर दा यानी 100% सही सी और किसी ना पिंड च लड़िया नहीं, वो उही उहदे घर जाके जदों कुटना वो बंदा तां फिर उन्हें करना ही काम हौली हौली, वो जेल वाले दे धक्के चढ़ के गैंगस्टरां दे उत्थे पूरी वो हवा जेल च तां हवा ही। कोई माता ये नहीं कहिंदी गैंगस्टर, कोई भी मेरा प्यो है जां माँ है वो चाहती नहीं कि मेरा बच्चा गलत लाइन से चला जाए। अजक तो 25% बच्चे गलत लाइन चले गए, कोई नशा करन लग गया, कोई गैंगस्टर बन गया, कोई खो खेंज वाला बन गया। पंजाब के हालात इस पक्षों ठीक नहीं। बापू जी, लगता नहीं कि जेडे नौजवान इस दलदल च फस गए, सरकारां नूं चाहिए एक मौका निकलने का देना चाहिए? नहीं जी, लोगों को कुछ आप माँ प्यो ने भी करना चाहिए, जदों वध जांदा वो फिर जबरदस्ती पैसे ले जाण लग जांदा, पहलां तो ही कंट्रोल रखना चाहिए। बच्चे तो छोटे होंदे तो उन्हें सिखाया ही देते, उन्हें पाठ सिखाओ, उदू तो पाठ कराओ, उन्हें चंगी सोसायटी बैठना सिखाओ, अपने आप ठीक हो जाऊगा। हुण तां बस 25% तां गए लोग इत्थों चले गए, वो इस लाइन च नशा खांदे, कईआं दे घर उजड़ गए, एक एक बच्चा सी उही। मियां मुराद अली जी, खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या दा समाधान। समस्या जिवें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद में मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज नूं लैके कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए, फिर बाद विच मैनूं किसे ने मियां मुराद जी अली बारे दस्या ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हां। कारोबार एकदम ठप हो गया सी, असीं बड़े औखे हो गए, फिर सानूं किसी ने मियां मोहम्मद अली जी बारे दस्या, उन्हां ने साडी समस्या दा चंगी तरहां जड़ों निपटारा कर दित्ता, हुण असीं बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 18786, 97797, 24075।